मी 11 अल्ट्रा जो कि अप्रैल 2021 में ही रिलीज हुआ था, बट अभी तक ना ये ऑनलाइन मार्केट में नजर आ रहा है ना ही ऑफलाइन मार्केट में। अब आप चाहो तो इस फोन को आउट ऑफ इंडिया से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, बट स्टिल वी आर वेटिंग जब तक ये इंडिया के ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में नहीं आ जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मी 11 अल्ट्रा अब तक इंडिया में क्यों नहीं आया, क्या इस मंथ में इसके आने के चांसेस हैं, और अगर नहीं तो ये कब तक आएगा। अब मी 11 अल्ट्रा मेरी नज़र में एक स्पेशल फ़ोन है, एंड स्पेशल थिंग्स टेक्स टाइम, बट इतना ज़्यादा मतलब इस फोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 months होने जा रहे हैं। 29th मार्च को ये फ़ोन अनाउंस हुआ था एंड अप्रैल में Xiaomi ने इस फोन को रिलीज़ कर दिया था, बट अभी तक ना ये ऑनलाइन मार्केट में आया है इंडिया में, ना ही ये ऑफलाइन मार्केट में नज़र आ रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी Xiaomi ने ऐसे गेम्स खेले हुए हैं। आपको याद होगा जब Xiaomi ने Mi 10i लॉन्च किया था तो उसकी प्राइस थी 19,999 rupees, एंड उन्होंने इस बात की बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी थी कि हमने 20,000 के अंदर 5G फ़ोन लॉन्च किया है, जिसके बेस वेरिएंट में आपको 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिलता था। बट आज तक हमें वो फ़ोन मिला ही नहीं जिसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज था, ना ही ऑनलाइन मार्केट में और ना ही ऑफलाइन मार्केट में, और ना ही Xiaomi के किसी ऑफिशियल स्टोर पे भी। आप Amazon और Flipkart पे चेक करोगे तो आपको 128GB वाला वेरिएंट ज़रूर नज़र आएगा, बट 64GB वाला नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि Xiaomi ने वो बनाया ही नहीं था। एंड रिसेंटली Redmi Note 10 सीरीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मतलब बहुत सारे स्टोर्स में तो 64GB वाला वेरिएंट ही अवेलेबल नहीं था Redmi Note 10 Pro का, और बहुत सारे स्टोर्स में तो आपको लूटा भी जा रहा था। मतलब जितनी फ़ोन की प्राइस थी, मतलब Redmi Note 10 Pro Max की अगर प्राइस 20,000 rupees थी तो वो आपसे 1500 या 1000 rupees ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे थे फॉर दैट स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान। मतलब अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान नहीं लोगे तो वो आपको फ़ोन भी नहीं देंगे, दैट्स नॉट फेयर। यही सेम चीज़ सर गीकी रंजीत ने भी अपनी वीडियो में बताई थी, और एक चैनल है टैकी पाठशाला करके, उन्होंने भी पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि Xiaomi जितने अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च करता है उतने ही अच्छे अच्छे ये ट्रिक्स भी खेलता है अपने कस्टमर्स के साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और सेम Mi 11 Ultra के साथ भी यही हो रहा है, एंड आई डोंट नो इसके पीछे Xiaomi की क्या स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इस फोन की सेल मई में ही आने वाली थी बट अभी तक नहीं आई है, एंड वी आर स्टिल अज्यूमिंग कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो Mi 11X और Mi 11X Pro ये दोनों फोन्स भी उसी टाइम पे लॉन्च हुए थे, बट यू कैन ईजिली ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon, Flipkart या फिर आप Mi स्टोर पे भी जाकर ले सकते हो, फिर Mi 11 Ultra ही क्यों। एक और सिनेरियो ये है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले मंथ Amazon और Flipkart से फोन्स ऑर्डर किए थे, बट लॉकडाउन की वजह से वो फोन्स डिलीवरी नहीं हो पा रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट उनका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया जा रहा था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, पहला तो ये कि Xiaomi जानबूझ के अपने कस्टमर्स को इतना ज़्यादा वेट करवा रहा है ताकि Mi 11 Ultra द सुपर स्मार्टफोन की हाइप ऐसे ही बनी रहे और लोग दूसरे फोन्स को छोड़कर इसकी वेट करते रहें, और जैसे ही ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आए स्टॉक आउट। दूसरा ये कि आपने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जिन्होंने इसकी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, पबजी टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट की वीडियोस 2 महीने पहले से ही अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अब या तो Xiaomi ने सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ही स्टॉक बना के रखा था, क्योंकि अगर कस्टमर्स के लिए बनाते हैं तो अभी तक मार्केट में आ जाता, और जहां तक मुझे लगता है मई में तो इसकी सेल आई नहीं, और जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में भी इसकी सेल नहीं आएगी। इसकी सेल या तो थर्ड वीक में आएगी जून के, या तो उसके बाद, और ये मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई Xiaomi की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि ये सेल पे आएगी तो आप इसको परचेज ही कर लोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि Xiaomi के फ्लैश सेल्स कैसे रहते हैं, अभी स्टॉक आया और अभी स्टॉक आउट। तो अगर आप भी Mi 11 Ultra लेने का सोच रहे हो तो भाई रुको, जरा सबर करो, क्योंकि 10-15 दिन तक तो अभी इसकी सेल आने से रही, और अगर आ भी गई तो आपको परचेज करने के लिए बहुत तेज होना पड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इस फोन को लेकर अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना, प्लस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, पैसे थोड़े लग रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वीस्ता।